गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ आई स्टार्ट अवर टुडेज क्लास इन सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी एंड द चैप्टर नेम इज पॉपुलेशन कंपोजिशन। दिस चैप्टर वी लर्न द टॉपिक्स ऑफ सेक्स रेशियो, सेक्स कंपोजिशन, मेल फीमेल कंपोजिशन, एज सेक्स पिरामिड, एज स्ट्रक्चर। सो फर्स्ट टॉपिक इज सेक्स रेशियो, जिसे हम लिंग अनुपात भी कहते हैं। स्पेशली किसी भी देश के पॉपुलेशन में जब हम मेल और फीमेल के बीच के रेशियो को देखते हैं, इसे सेक्स रेशियो कहते हैं। कुछ कंट्रीज़ में सेक्स रेशियो जो निकाला जाता है वो फार्मूला होता है मेल पॉपुलेशन अपॉन फीमेल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड 1000। लेकिन इंडियन कंसर्न में हम फीमेल पॉपुलेशन को ऊपर रखते हैं और मेल पॉपुलेशन को नीचे रखते हैं और उसे 100,000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये एक आंकड़ा होता है सेक्स रेशियो निकालने का, और इससे पता चलता है कि देश में महिलाओं की स्थिति क्या है, देश में महिलाओं की जनसंख्या क्या है प्रति, मतलब अनुपात रेशियो के माध्यम से, कि जितने पुरुष हैं उसी अनुपात में महिलाएँ तो सफिशियंटली हैं या नहीं हैं। अगर महिलाएं कम हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे महिलाओं से संबंधित अपराध हो रहे हैं, महिलाओं के स्थिति सही नहीं है वहाँ पे, उनके कंडीशंस सही नहीं है उनके साथ। जैसे आप देखिए, हमारे देश में पहले होता था भ्रूण हत्या होती थी, और भ्रूण हत्या और बहुत जगहों पर लड़की पैदा होने के बाद मार दिया जाता था, और फिर उसके बाद एजुकेशन को लेकर के भी उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होते थे। तो जो सेक्स रेशियो के बाद जो आंकड़े निकाले जाते हैं उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर कंट्री में महिलाओं की स्थिति सही है या नहीं है। अगर सेक्स रेशियो में महिलाओं के पॉपुलेशन कम आ रहे हैं तो इसका मतलब कि उस देश में महिलाओं के कंडीशंस, सोशल कंडीशंस अच्छे नहीं हैं। एक चीज़ और है इसमें कि अगर मान लीजिए किसी देश में महिलाओं की जनसंख्या ज़्यादा है और पुरुषों की जनसंख्या कम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी होगी, बल्कि ये भी हो सकता है कि उस देश में पर्टिकुलर जो मेल पॉपुलेशन है वो एम्प्लॉयमेंट की वजह से माइग्रेंट हो गया हो वहाँ से। तो ये भी कंडीशंस आप ध्यान रखिएगा। अगर वर्ल्ड लेवल पे हम सेक्स रेशियो की बात करें तो पर 1000 मेल्स पे 919 फीमेल्स हैं, और वर्ल्ड कंसर्न में बात करें तो जो लैटविया है वहाँ का सेक्स रेशियो सबसे हाई है, पर 1000 मेल्स पे 1187 फीमेल्स हैं। और जहाँ पे सबसे ख़राब स्थिति है महिलाओं की जनसंख्या के रिगार्डिंग, तो वो यूएई है, जिसे हम यूनाइटेड अरब अमीरात कहते हैं, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब ऑफ अमीरात, अमीरात कंट्री है यूएई। यहाँ पे 468 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स में, यानी कि 1000 पुरुषों के रेशियो में 468 यानी 468 फीमेल्स ही हैं। तो इस तरीके से आप देखिए, आपकी किताब में ये आंकड़े लिखे हुए हैं। और अगर एशिया की बात करें तो हमारे इंक्लूडिंग इंडिया आल्सो, एशिया में चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सारे देशों में फीमेल सेक्स रेशियो बहुत ख़राब स्थिति में है। मतलब कह सकते हैं कि एक तरीके से ये रेशियो डिक्लाइनिंग में है, मतलब महिलाओं की स्थिति कम है, महिला जनसंख्या कम है यहाँ पे। और अगर थोड़ा सा मैं आपको भारत के संदर्भ में बात करूँ, आप लोग पढ़े भी हैं पीछे के चैप्टर्स में, दूसरे बुक में, हमारे यहाँ हरियाणा में सबसे गड़बड़, जो हम कह सकते हैं कि सबसे कम जो सेक्स रेशियो महिलाओं को लेकर के है, हरियाणा में है। और एक तो एक चीज़ इसमें और है कि यूरोप जो है वहाँ पे महिलाओं की संख्या ज़्यादा है और पुरुषों की संख्या कम है, यानी एशिया में महिलाओं की संख्या कम है, पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन यूरोप में पुरुषों की संख्या कम है, महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। तो इसके लिए आपकी किताब में ये लिखा हुआ है कि पहले, मतलब पास्ट टाइम में वहाँ से जो माइग्रेशन हुआ था पुरुषों का स्पेशली, उस आउट माइग्रेशन की वजह से वहाँ पे जो पुरुषों की जनसंख्या है कम है यूरोप में। ये आप याद रखिएगा फैक्ट्स को। एज स्ट्रक्चर पे अगर हम आगे जब हमारा जो टॉपिक एज स्ट्रक्चर उस पर हम बात करें, तो एज स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि डिफरेंट एज ग्रुप, मतलब पॉपुलेशन के डिफरेंट, पॉपुलेशन को डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिवाइड करना, कि पूरी पॉपुलेशन जितनी है उसमें, उस पॉपुलेशन में कितने कितने एज ग्रुप के लोग हैं। जैसे हम 15 to 59 एज ग्रुप के लोगों को अगर देखें तो वो एक वर्किंग पॉपुलेशन माना जाता है, और ये बहुत अच्छा रिसोर्स माना जाता है देश के लिए। और जो 60+ के पॉपुलेशन है उसे एजिंग पॉपुलेशन कहते हैं, और एजिंग पॉपुलेशन जो होता है वहाँ पे हमारे उस एजिंग पॉपुलेशन के ऊपर हमारे खर्च ज़्यादा होते हैं, खास करके हेल्थ वगैरह को लेकर के, उनके हेल्थ को ध्यान रखने के लिए बहुत ज़्यादा वेलफेयर स्कीम्स चलाने पड़ते हैं। और इसी तरीके से देखिए, अगर किसी देश में जो एक तरीके से यूथ पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है, तो हम ये कहेंगे कि वहाँ का बर्थ रेट है वो काफ़ी हाई, बर्थ रेट जो है वो हाई है, यानी ऊपर है, बर्थ रेट ऊपर होने की वजह से वहाँ पे यूथ पॉपुलेशन ज़्यादा होता है।
अब एज सेक्स स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि एक तरीके से मेल फीमेल का जो पॉपुलेशन है डिफरेंट एज ग्रुप्स में, उसके जो रेशियो हैं, उसके जो नंबर्स हैं, यानी कि अलग अलग उम्र में, अलग अलग एज में कितनी जनसंख्या पुरुष और महिलाओं की है, जैसे वर्किंग पॉपुलेशन को ले लें, एजिंग पॉपुलेशन को ले लें, तो कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं पर्टिकुलर कंट्री में, तो ये स्ट्रक्चर बनाया जाता है और इस स्ट्रक्चर को एज सेक्स पिरामिड कहते हैं हम। और तीन होते हैं ये, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, कॉन्स्टेंट पॉपुलेशन और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन जहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई होते हैं, स्पेशली बर्थ रेट को हम रेफर करेंगे, वहाँ ज़्यादा हाई होता है, इसलिए जो लो एज ग्रुप होता है वो काफ़ी फैला होता है, एक्सपेंड होता है। आप देख सकते हैं, आप अपने उस किताब के स्ट्रक्चर में आप देखिए वहाँ पे देख रहा है। और उसके बाद कॉन्स्टेंट है, तो इसका मतलब है कि ये, अच्छा पहले एक्सपेंडिंग में जान लीजिए कि इसमें बांग्लादेश, मैक्सिको जैसे देश आते हैं जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कॉन्स्टेंट पॉपुलेशन, इसमें क्या होता है, जो कॉन्स्टेंट पॉपुलेशन होता है इसमें डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों समान होते हैं, इक्वल होते हैं, स्थिर होते हैं, और इसका आकार जो है वो बेल शेप्ड में होता है, टपर्ड में होता है। उसके बाद जब हम तीसरा डिक्लाइनिंग होता है, आप उसमें देखिए जापान जैसे देश इसमें आते हैं, इसे डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये भी थोड़ा सा नैरो शेप में होता है नीचे से, चूँकि इसको ऐसे नैरो क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो बर्थ रेट है वो कम होता है। जन्म दर यहाँ देखिए लिखा है ना कि लो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों यहाँ पे कम होता है, इसलिए ये थोड़ा नैरो, सॉरी एक तरीके से नैरो शेप्ड और टैपर्ड टॉप में ये आता है। तो ये तीन तरीके का पॉपुलेशन एज सेक्स स्ट्रक्चर का, पॉपुलेशन का एज सेक्स स्ट्रक्चर है। और एक चीज़ और इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो राइट साइड है वो फीमेल्स के पॉपुलेशन को शो करता है और जो लेफ्ट साइड है वो मेल्स के पॉपुलेशन को शो करता है। अब इसके बाद आप देखिए जो रूरल अर्बन कंपोजिशन है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। और इसमें देखिए ये जो कंपोजिशन, यानी कि रूरल पॉपुलेशन और अर्बन पॉपुलेशन का जो डिवीज़न होता है वो उनके रेजिडेंस यानी निवास पे होता है, और अलग अलग दोनों के सोशल, एक तरीके से सोशल कंडीशंस, ऑक्यूपेशनल कंडीशंस और लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ये सारे जो होते हैं अलग अलग होते हैं। आप इसको समझ भी सकते हैं कि अगर शहरों में आप रहें तो वहाँ पे लेवल ऑफ डेवलपमेंट अलग माना जाता है, और गांवों में जो पॉपुलेशन है उनके लेवल ऑफ डेवलपमेंट्स अलग माने जाते हैं, इनके एज सेक्स ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स भी अलग होते हैं। और अगर हम एक्टिविटी के हिसाब से देखें तो जो रूरल पॉपुलेशन होता है वो मोस्टली प्राइमरी एक्टिविटीज़ में लगा रहता है, और जो अर्बन पॉपुलेशन होता है वो मैन्युफैक्चरिंग यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्शियरी एक्टिविटीज़ और क्वार्टरली एक्टिविटीज़ में ये लोग जुड़े होते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा डिवीज़न देखेंगे अलग अलग देशों में, तो आप इसको समझने की कोशिश करिएगा रूरल और अर्बन पॉपुलेशन का जो डिवीज़न है। जैसे फिनलैंड हो गया, और इसमें एग्जांपल दिया हुआ है फिनलैंड के साथ साथ कनाडा, यानी कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ या मोस्टली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कंट्रीज़ हैं वहाँ में, और एशियन कंट्रीज़ और अफ्रीकन कंट्रीज़ में, यानी कि जिम्बाब्वे और नेपाल में एक दिखाया हुआ है एग्जाम्पल के तहत कि कैसे दोनों के रूरल अर्बन कंपोजिशन अलग अलग होते हैं। फिनलैंड में, कनाडा जैसे देशों में जो रूरल अर्बन कंपोजिशन है उसमें जो रूरल पॉपुलेशन है वहाँ पे महिलाओं की संख्या एक तरीके से, मतलब गांवों में महिलाओं की संख्या कम है, पुरुषों की संख्या ज़्यादा है कनाडा और अफ्रीका कनाडा और फिनलैंड जैसे देशों में। और यही चीज़ अगर हम अफ्रीकन कंट्रीज़ में देखें, सॉरी अफ्रीकन कंट्रीज़ और एशियन कंट्रीज़ में देखें, तो गांवों में महिलाओं की संख्या आपको ज़्यादा मिलेंगी और पुरुषों की संख्या कम मिलेंगे। अब ऐसा क्यों, तो यूरोप में क्या होता है कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के अवसर बहुत ज़्यादा हैं, तो जो महिलाओं की, अच्छा महिला सुरक्षा भी ज़्यादा है वहाँ पे, तो जो महिलाएं हैं वो गांवों से माइग्रेंट होकर के शहर की तरफ आती हैं। जबकि आप अफ्रीकन कंट्रीज़ में, इवन इंडिया में भी आप देखिए तो ठीक इसका उल्टा होता है। हमारे यहाँ जो, अच्छा एक चीज़ और मैं ऐड कर दूँ कि यूरोप में जो एग्रीकल्चर प्रोसेस है वो स्पेशली पूरी टेक्नोलॉजी से फुलफिल है, और पुरुष ही उसको ज़्यादा करके करते हैं। हमारे यहाँ इसका ठीक उल्टा है, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट की वजह से जो रूरल से अर्बन माइग्रेशन होता है वो पुरुषों का होता है, और महिलाएं जो होती हैं
वो एग्रेरियन लैंड पे काम करती है, खेती में काम करती है, यानी पुरुष माइग्रेट होकर के शहर में आते हैं और जो महिलाएं हैं वो गांवों में रहती हैं, खेती वगैरह में ज़्यादा उनका पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। अब इसके बाद लिटरेसी है, तो इंडिया के कंसर्न में देखिए तो जो 7 वर्ष से ज़्यादा यानी 7 साल से ऊपर के लोग हैं जो पढ़ लिख सकते हैं उनके परसेंटेज को हम लिटरेट पॉपुलेशन कहते हैं, यानी कि 7 साल से ऊपर के लोग जो पढ़ सकें लिख सकें वो लिटरेट पर्सन माने जाएंगे। और लिटरेसी किसी भी देश के ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर के सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का मेन इंडिकेटर माना गया है। इसके बाद हमारा वर्किंग ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है और इसमें एक फिगर भी दिया हुआ है रूरल अर्बन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का। और इसमें देखिए सबसे बड़ी बात कि इसमें 15 to 59 जो वर्किंग एज ग्रुप है उसको काउंट किया जाता है, इस वर्किंग पॉपुलेशन को टेक अ पार्ट। अच्छा, किस प्रकार के इसमें ऑक्यूपेशनल रेंज हैं, तो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट सर्विस, कम्युनिकेशन एंड अदर अनक्लासिफाइड सर्विस, यानी कि इतने लेवल पे इतने वर्किंग ऑक्यूपेशनल ऑक्यूपेशंस को क्लासिफाइड किया गया। बहुत सारे अनक्लासिफाइड सर्विस को भी इसमें जगह दी गई है। और आपने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज़ को तो आप जानते ही होंगे, पहले से भी पढ़ा होगा, तो इसमें उसको भी देखा गया कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग एंड माइनिंग आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी एक्टिविटीज़, मैन्युफैक्चरिंग इज सेकेंडरी एक्टिविटीज़, जॉब्स इज टर्शियरी एक्टिविटीज़ एंड आफ्टर दैट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज क्वार्टनरी एक्टिविटीज़। तो इन एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया गया है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को। और जितनी पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन इन एक्टिविटीज़ में एक तरीके से संलग्न हो तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री का उसी हिसाब से होता है। जैसे अगर किसी देश की बड़ी आबादी टेरेसरी सेक्टर में, क्वार्टनरी सेक्टर में काम कर रही है तो माना जाएगा कि वो देश विकसित है। प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाली आबादी जो है तो उसे अंडर डेवलपिंग माना जाता है, क्योंकि जो टेरेसरी सेक्टर है और क्वार्टनरी सेक्टर है ये हाई स्किल्स सेक्टर माने गए हैं। और हाई स्किल्स तभी होगा जब आपके बेसिक्स फुलफिल होंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट, लिटरेसी, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें फुलफिल होंगी तब आप इन स्किल्स वाले सेक्टर्स में काम कर सकेंगे। तो ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप हमसे पूछिएगा, कंसल्ट करिएगा। तब तक के लिए थैंक्स।